और बुलेटिन की शुरुआत मिजोरम से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। मिजोरम के अब तक के रुझानों में सत्ताधारी पार्टी सत्ताधारी मिजो नेशनल फ्रंट यानी कि MNF पीछे चल रही है और विपक्षी दल जोरम पीपल मूवमेंट यानी कि ZPM रुझानों में इस वक्त MNF से काफी आगे दिखाई दे रही है। यानी कि यहाँ के भी शुरुआती रुझानों में सत्ता परिवर्तित होने के संकेत मिल रहे हैं। MNF जो कि सत्ताधारी पार्टी थी, जाहिर तौर पर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर यहाँ पर लागू होता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसे में इस वक्त MNF थोड़ा सा पीछे होते हुए दिखाई दे रही है। और जो रुझान सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक ZPM 25 पर और MNF 11 सीटों पर आगे है। बीजेपी 3 पर, कांग्रेस 1 पर। मतगणना लगातार जारी है। पूर्वोत्तर के राज्य मिजोरम पर भी अब 4 राज्यों की मतगणना के बाद सभी की निगाहें, जिसमें अब एक नई पार्टी ZPM लगातार आगे बढ़ती दिखाई दे रही है सत्तारूढ़ MNF से। और आपको बता दें कांग्रेस ने जहां 40 सीटों पर, MNF ने जहां 40 सीटों पर, वहीं ZPM ने भी 40 सीटों पर अपने जो कैंडिडेट्स थे वो मैदान में उतारे थे। हालांकि बीजेपी की ओर से महज 26 सीटों पर ही अपने कैंडिडेट्स मैदान में उतारे गए हैं, लेकिन MNF जिस तरीके से पिछली बार के चुनाव में सत्ताधारी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन शुरुआती रुझानों में अब की बार एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर दिखाई दे रहा है और MNF काफी पीछे दिख रही है, जबकि ZPM आगे दिखाई दे रही है। तो वहीं 3 राज्यों में अब नई सरकार बनाने की हलचल भी तेज हो गई है और बड़ी खबर आ रही है कि राजस्थान में अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह दिल्ली रवाना हो चुके हैं। दोनों को दिल्ली बुलाया गया है और इसके अलावा आपको बताएं कि आज ही राजस्थान के सीएम को लेकर फैसला भी किया जा सकता है। बड़ी खबर यह है कि तिजारा से चुनाव जीतने वाले बाबा बालकनाथ को भी दिल्ली बुलाया गया है। और ऐसे में लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी को बहुमत मिलने के बाद कौन होगा राजस्थान का सीएम। बड़ी खबर यह है कि बाबा बालकनाथ को दिल्ली बुला लिया गया है। तिजारा से इन्होंने विधायक का चुनाव जीता है, जबकि वो लोकसभा के सदस्य थे, सांसद थे। और सीएम पद की रेस में बाबा बालकनाथ, गजेंद्र सिंह शेखावत, ओम बिरला, अर्जुन मेघवाल और दिया कुमारी के चेहरों के नाम पर लगातार चर्चा हो रही थी। तो ये बड़ी अपडेट आपको बताएं, लगातार राजस्थान में सरकार गठन की तैयारी की कोशिश की जा रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह को बुलाया गया है दिल्ली और माना यह जा रहा है कि आज ही राजस्थान के सीएम को लेकर फैसला किया जा सकता है। लेकिन बड़ी जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि तिजारा से चुनाव जीतने वाले बाबा बालकनाथ को दिल्ली बुलाया गया है और सीएम पद की अगर रेस की बात करें तो बाबा बालकनाथ के साथ साथ गजेंद्र सिंह शेखावत, ओम बिरला, अर्जुन मेघवाल और दिया कुमारी, साथ साथ किरोड़ी लाल मीणा जैसे चेहरे हैं जो कि सीएम पद की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। तो वहीं विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बंपर जीत के बाद शेयर बाजार में भारी उछाल देखने को मिल रहा है और रिकॉर्ड स्तर पर शेयर बाजार आज खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से 4 राज्यों में कल मतगणना हुई और जो परिणाम आए हैं उसके बाद आज सुबह सुबह शेयर बाजार खुलते ही हफ्ते के पहले दिन एक रिकॉर्ड बढ़त के साथ शेयर बाजार खुलता दिखाई दे रहा है। सेंसेक्स 68,500 और निफ्टी 20,500 के पार गया है। तो ये एक बड़ी अपडेट आपको बताएं, जिस तरीके से कल 4 राज्यों के चुनाव के नतीजे सामने आए थे और उसके बाद बीजेपी की बंपर जीत के बाद शेयर बाजार में काफी उछाल देखने को मिल रहा है। रिकॉर्ड स्तर पर शेयर बाजार खुला है आज। सबसे खास बात ये, सेंसेक्स 68,500 पर खुला है, निफ्टी 20,500 पर और अपना रिकॉर्ड तोड़ता हुआ शेयर बाजार। विधानसभा चुनाव के परिणाम आए, 3 राज्यों में बीजेपी की बंपर जीत हुई और उसके बाद असर शेयर बाजार पर भी दिखाई देने लगा है। वहीं विधानसभा चुनाव के परिणाम 4 राज्यों के आ चुके हैं। 3 में बीजेपी को बंपर जीत, तेलंगाना में कांग्रेस को बहुमत, लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। 22 दिसंबर तक चलने वाला संसद का शीतकालीन सत्र इस बार गर्म रह सकता है और वो इसलिए क्योंकि आज ही के पहले ही दिन सत्र के तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोहित्रा से जुड़ी रिपोर्ट रखी जा सकती है। लोकसभा की एथिक्स पैनल ने जांच के बाद में TMC की सांसद की अब सदस्यता खत्म करने की सिफारिश कर दी। विक्रांत हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। विक्रांत, आज